Hello, Nand. Hello. So, मेरा नाम नंद है, मैं इंडिया से हूँ, गुजरात से स्पेसिफिकली, और मैं अभी यहाँ पे नुआ बेलेंगुआ बोगोता में स्पेनिश पढ़ रहा हूँ. मैं ऑनलाइन काम करता हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट. तो मेरी जॉब अभी 7-8 महीने से ऑनलाइन है, और मेरे को कब से स्पेनिश सीखना था, क्योंकि इंडिया में हमको स्पेनिश कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, बट हम लोग ज़्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करते. फ्रेंच थोड़ी फ्रेंच भी बोलते, बट स्पेनिश रियली इतना प्रैक्टिस नहीं करते. और मैं जब ज़्यादा गूगल कर रहा था, मेरे को सच में कोलंबिया के स्पेनिश सीखने की बहुत मन हो रहा था. सो लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोलंबिया आना है, और मैं यहाँ पे अभी 3 महीने के लिए स्पेनिश पढ़ने आया हूँ. सो स्पेनिश कल्चर जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. हमारी काफ़ी मूवीज भी यहाँ पे बनती है, और हम लोग काफ़ी सारा कुछ जानते हैं, बट कभी हम लैंग्वेज नहीं बोलते. दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने देखी है कि इंडिया में हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, और काफ़ी एक जन कम से कम 3 या 4 लैंग्वेजेस भी बोल सकता है. पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इंग्लिश के सिवाय कोई भी दूसरी लैंग्वेज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है. सिर्फ इंग्लिश ही हम बोलते हैं कि जो ग्लोबली यूज़ होती है, बाकी सारी जो लैंग्वेज होती है वो इंडिया के अंदर ही यूज़ होती है. सो मैंने सोचा कि मेरे को और एक लैंग्वेज सीखनी है जिससे मैं ज़्यादा ग्लोबली कंपेटिटिव बन सकूँ, और वैसे ही मतलब दूसरे कल्चर्स के बारे में ज़्यादा जान सकूँ. और नेक्स्ट लैंग्वेज जो सबसे पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, ये होती स्पेनिश. और स्पेनिश एक्चुअली इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है सीखना, इट्स प्रीटी ईजी. और उसके बाद क्या होता है कि 20 कंट्रीज होते हैं पूरे दुनिया में, 20 कंट्रीज है कि जो स्पेनिश बोलते हैं. तो इससे ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है. और मैं जब गूगल कर रहा था तो नुएवा लैंग्वा मेरे को सबसे अच्छी स्कूल लगी बोगोता में, और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए कोर्सेज लेने के लिए आऊँ. सो बोगोता एक्चुअली बहुत बड़ा सिटी है. हम यहाँ पे 10 मिलियन लोग हैं. नाउ आप दूसरे काफी सारे कंट्रीज के सिटीज के बारे में बात करोगे तो इतने बड़े सिटीज नहीं होते. स्पेशली यूरोप में आप देखने जाओगे तो कोई भी सिटी इतना बड़ा नहीं होता. बोगोता में एक अलग टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर, इतने सारे और ये पूरा सिटी जो है वो माउंटेन्स के बीच में ये है, ऑलमोस्ट 3000 फीट की ऊंचाई पर. और इससे क्या होता है कि इससे बहुत एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है. उसका क्लाइमेट भी है जो बहुत अच्छा है यहाँ पे पढ़ने के लिए. और यहाँ पे लोग, स्पेशली इंडिया और कोलंबिया में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, और आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ पे आओगे कि इसमें लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आप स्पेनिश नहीं भी बोलते तो भी वो आपके साथ बात करने की ट्राई करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे, और वो आपको बहुत मदद करेंगे. तो एक चीज मैंने नहीं बताई कि मैं मेरी एक यूट्यूब चैनल है. यूट्यूब से मैं पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज के घूमने जाता हूँ उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. और इससे क्या होता है कि मैं काफी सारे लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर भी सकता हूँ, और वो लोग देख भी सकते हैं कि दूसरे देशों में रहने से क्या आपको सीखने मिलता है. नाउ आप जितने भी आप बात कर लो, पर अगर आप दूसरे कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज नहीं बोलते तो आप उसके कल्चर के बारे में सच में नहीं जान सकते उतना ज्यादा. जब आप दूसरे कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज बोलते हो तो आपको कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है. और मैं जितना भी ज़्यादा, मेरे को और भी ज़्यादा ट्रैवल करना है, और 2-3 साल ट्रैवल करना है, बट उसके लिए और एक लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश से इतना काम नहीं चलता. और जब आप नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती है, नॉट जस्ट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आपको नॉर्मली फ्रेंड्स बनाने के लिए, आपको पूरे दुनिया में आपका जो नेटवर्क होता है वो बनाने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जब आप नई लैंग्वेज सीखने की ट्राई करते हो, और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब अपनी लैंग्वेजेस सीखते तो हम बहुत यंग थे, और जब आप अपनी कितनी भी आपकी एज हो, कि आप 20 साल 30 साल 40 साल के हो, पर अगर आप नई लैंग्वेज सीखने की ट्राई कर रहे हो तो वो पहले पहले डिफिकल्ट लगेगा. पहले 2-3 महीने बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और मोस्ट सब जितने भी लोग होते हैं वो इसने में ही गिव अप कर देते हैं. बट आप अगर इसमें गिव अप नहीं करते और आप सच में ये पढ़ते रहते हो थोड़े महीनों के लिए, और आप स्पेशली ऐसी जगह पे रहते हो कि जहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं, अब इंडिया में रहकर आप स्पेनिश सीखने की ट्राई करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे और कोई ज़्यादा स्पेनिश बोलता नहीं है.
बट अगर आप किसी ऐसे कंट्री में आके बोलते हो कि जहाँ पे स्पेनिश लोग बोलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और इवेंचुअली आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होती जाएगी। सो मैंने जो एक चीज सीखी है कि आप जब दूसरे कंट्रीज में जाते हो, सो सबसे पहली चीज, और ये मेरा खुद का भी रीजन है दूसरे कंट्रीज जाने का, इसकी जो पूरा आप जब वर्ल्ड का जो जो मैप होता है, जो नक्शा देखते हो आप पूरे दुनिया का, ठीक है, वो पूरे नक्शे में आपको अराउंड 200 देश दिखेंगे। अभी वो 200 देश में आप अगर एक ही देश में बड़े होते हो या एक दो देश घूमने जाते हो, लाइक बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में 5 से ज्यादा देश घूम सकते हैं या घूमे हुए होंगे। और जब मैं छोटा था तब मेरे दिमाग में ये एकदम स्ट्रांगली आता था कि सिर्फ 5 या 10 देशों से क्या होने वाला है, हम जब इस दुनिया पे आए हैं इसमें सिर्फ 200 देश है, तो क्यों नहीं हम पूरे के पूरे 200 देश देखने जाए। सो आइडिया ये है कि जब आप जितने ज्यादा देश देखोगे उतना ही आपको जो दुनिया है वो छोटी लगने लगेगी। अगर आप किसी एक ही देश से होते हो और एक ही सिटी में आप पूरे बड़े होते हो, तो आपको जो जो आपका जो वर्ल्ड व्यू होता है, जो पूरे दुनिया का आपका जो इम्प्रेशन होता है, वो काफी बड़ा रहता है। आपको लगता है कि दूसरे दुनिया में क्या चलता है आपको पता ही नहीं चलता। बट जब आप दूसरे देशों में घूमने जाते हो और काफी सारे देश में घूमते हो, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है। और एट दी एंड जब जिंदगी का जो मतलब होता है, जो पर्पस होता है, उसमें यही है कि आप दूसरे कंट्रीज में देखो, दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करो और दुनिया के दूसरे पार्ट में कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये सब सीखो। मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया आपको कि स्पेनिश सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। नाउ सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कहाँ पे स्पेनिश सीखते हो, क्योंकि इंडिया में मैंने जैसे बताया कि इंडिया में अगर आप स्पेनिश सीखने जाते हो तो आपका रिजल्ट इतना नहीं आएगा, पर अगर आप दो तीन महीने लेके कोलंबिया जैसे कंट्री में आते हो जहाँ पे सब लोग स्पेनिश बोलते हैं, आपकी रोज रोज प्रैक्टिस होती है, कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है प्रीटी मच यहाँ पे, तो आपको आप फोर्स होंगे कि आपको रोज स्पेनिश बोलना पड़ेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सब लोगों को जिसको भी स्पेनिश सीखनी है कि आप कोलंबिया आ सकते हो। और कोलंबिया के और एक बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास यूएस यूके या यूरोपियन वीजा है, तो आप यूरोपियन और अमेरिकन वीजा यूज करके आप कोलंबिया आ सकते हो। इंडियन पासपोर्ट के साथ आपको नया वीजा लेने की जरूरत नहीं अगर आपके पास ऑलरेडी 3 में से 1 वीजा है तो, और वो आपको 3 महीने तक यहाँ पे, और मैं खुद भी वैसे ही आया हूँ यहाँ पे, आपको 3 महीने के लिए रहने देते हैं और आप 3 महीने के लिए पूरे कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो। नुवेवा लैंग्वेज जो है उनको वीकली कोर्सेज होते हैं उनके, सो मंडे से फ्राइडे तक, और इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं, दिन के 4-5 घंटे आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे। तो ये सब आपको इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद आपकी स्पेनिश लेवल डेफिनेटली थोड़ा ऊपर तो आ ही जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप सब लोग इनकी वेबसाइट चेक कीजिए, उनकी वीडियोस चेक कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे भी पूछ सकते हो या फिर इनको डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर आपको यहाँ पे आना है तो। ग्रेसियस।